नौबस्ता लोहा मंडी स्थित श्री राधेश्याम जी महाराज मंदिर में हनुमान जयंती के अवसर पर 108 कन्या के पूजन के साथ सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। मंदिर के मंत्री प्रदीप शंकर वर्मा ने बताया कि हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में मंदिर में हर साल इस तरह का आयोजन किया जाता है, सुंदरकांड पाठ और फिर कन्याओं का पूजन कर भोजन कराया जाता है। महावीर जयंती के उपलक्ष्य में, हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में हम यहाँ पर सुंदरकांड के पाठ का आयोजन रखा है जो चल रहा है। इस समय शाम को रामप्यारी कुटीर का जीर्णोद्धार के उपरांत मनकामेश्वर मंदिर के महंत श्री योगेशपुरी जी महाराज उद्घाटन करेंगे। उसके बाद में यहाँ विशेष महाआरती का आयोजन है, भोग प्रसाद का वितरण होगा और सभी को भोजन, 108 कन्या का पूजन कर उनको भोजन और सभी को भोजन कराया जाएगा। आज यहाँ ज्वाला प्रसाद मंदिर राधेश्याम ट्रस्ट में पूर्णमासी के उपलक्ष्य में 108 कन्याओं का भोग प्रसाद भी रखा गया और खुशी का पर्व यह है कि आज हनुमान जी का भी जन्मोत्सव है। इस अवसर पर सुंदरकांड का आयोजन किया गया है ताकि हम सब एक साथ एक मिनट के भगवान को स्मरण कर सकें। श्री राधेश्याम जी महाराज मंदिर में आरती के बाद प्रसाद वितरण और भंडारे का आयोजन किया जाता है। मंदिर समिति के साथ क्षेत्रीय लोग इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। भक्तों का कहना था कि इस तरह के आयोजन होने से युवा पीढ़ी को भी सीख मिलती है जिससे वे आगे ऐसे कार्यक्रम कराते रहें। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।